Assalamualaikum viewers, welcome back to UTV. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 places you should visit in Dubai. यानी कि 5 उन जगहों के बारे में जो आपको दुबई में जरूर विजिट करनी चाहिए. लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल्स में आता है और ये दुबई की टॉप अट्रैक्शंस में से एक है. बुर्ज अल अरब को पहले टावर ऑफ द अरब्स कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम तब्दील कर दिया गया. इसकी कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट की गई, जबकि 1999 में ये कंप्लीट हो चुका था और 1999 में ही इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया. ये 321 मीटर बुलंद है. बुर्ज अल अरब दुनिया के बुलंद तरीन होटल्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है. जो लोग भी इस बुर्ज को विजिट करके आए हैं वो यकीनन इस बात से वाकिफ होंगे कि बुर्ज अल अरब मोस्ट फोटोग्राफ स्ट्रक्चर्स में से एक है और ये पाम्स आइलैंड के आर्टिफिशियल आइलैंड जुमेरा में वाकिया है. बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू की गई और जबकि 2009 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी. इसका पहला नाम बुर्ज दुबई रखा गया, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन के दरमियान कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को उस वक्त के खलीफा ने एड किया था, जिसकी वजह से इसका नाम उस खलीफा के ऑनर में तब्दील करके बुर्ज खलीफा रख दिया गया. इसे 2010 में पब्लिक के लिए खोला गया. 828 मीटर की बुलंदी के साथ 2009 से अभी तक बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है और इसके आर्किटेक्चर की वजह से इसे दुनिया का खजाना समझा जाता है. की तकरीबन 134 फ्लोर्स हैं और यहाँ पे दुनिया का बुलंद तरीन रेस्टोरेंट उसके 122वें फ्लोर पर वाकया है. इसके अलावा भी बुर्ज खलीफा ने बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं. पाम्स आइलैंड 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर बेस करता है, जुमेरा आइलैंड, डायरा आइलैंड और पाम जबल अली. इसे 2001 में शुरू किया गया और इसको इसकी शेप की वजह से पाम आइलैंड कहा जाता है. पाम आइलैंड में बहुत से फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स मौजूद हैं, बहुत से लग्जरियस जॉइंट्स भी मौजूद हैं. यहाँ की सबसे बेहतरीन व्यूज़ में यहाँ का सनसेट और उसके अलावा बाकी आई अपीलिंग व्यूज़ हैं. एक दफ़ा अगर पाम आइलैंड को विज़िट किया जाए तो वहाँ किसी भी किस्म की आसाइश से महरूम नहीं रहना चाहिए. यह अलग बात है कि पाम आइलैंड ने बहुत सी इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ से बहुत सा बैकलैश रिसीव किया, क्योंकि ये मरीन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और अभी भी है. दुबई फाउंटेन्स, जिन्हें May 8, 2009 में आम पब्लिक के लिए खोला गया, दुनिया के लंबे तरीन कोरियोग्राफ्ड डांसिंग फाउंटेन्स हैं, जिसकी हाइट है 500 फीट और ये बुर्ज खलीफा लेक में पाया जाता है. ग्लोबल विलेज को 1997 में स्टार्ट किया गया और तकरीबन 15 साल से ये 90 अलग अलग ममालिक के कल्चर्स को प्रमोट कर रहा है. इसके साथ साथ यहाँ शॉपिंग और एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस भी रखी जाती हैं. दुबई के पुराने और कदीम कल्चर को यहाँ फुल प्रूफ एविडेंसेस के साथ दिखाया जाता है, जो कि लोगों की तवज्जो का अहम मरकज है. उसके अलावा यहाँ खाने पीने के भी स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिनमें उन्हीं 90 कंट्रीज के अलग अलग कुजींस को रखा जाता है. ग्लोबल विलेज अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टूरिस्ट लेयर शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट क्लेम करता है और शायद एक हद तक ये ठीक हो भी सकता है, क्योंकि ग्लोबल विलेज में हर साल तकरीबन 6 मिलियन विजिटर्स आते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.